एक से एक पत्र मुद्राएं हम चाहते हैं कि आप खड़े होकर परिचय देख लें। ये हस्ती है जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश से आए हैं, फिरोजाबाद से आए हैं, लेकिन फिरोजाबाद से आए संजय भैया, लेकिन दूसरी बार आज हमारी तुम्हारी मुलाकात हो रही, खूब लोगों का लोड करके भेजे हो। ये हमारे बड़े भैया श्री सुनील तिवारी जी शायगढ़ आपकी तरफ से, जो स्वयं एक कलाकार हैं और साथ में पत्रकार हैं, आपकी तरफ से एक से एक पत्र आई हैं, मैं चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। साथ ही साथ 51 पत्र मुद्राएं हमारे महेश साहू मिस्त्री, महेश साहू मिस्त्री वो खुश रहे हैं और उनकी स्त्री महेश भैया घुआरा के निवासी हैं। आपने लिखा है दादा रेट कम नहीं हुआ, ये आप सबकी मानता है, ये तो मैंने हंसने हंसाने के लिए पप्पू भैया से अपने कह दिया था, छोटे भैया से, कि रेट कम ना करो, अगर अपने रेट कम कर देंगे तो गए तो पहले डाउन कर देंगे। तो आइए गीत हमारी तरफ से अच्छा सा गीत हो जाए, सुने आप। भाई साहब, भाई साहब गाना सुनिए, एक गीत सुनिए आप। इस आंधी का, इस तूफान का, और आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। कह रहा हूं क्या, इस आंधी का, इस तूफान का जोर किसी को याद नहीं, आएगी एक रोज कया जान है। अब 55 के बाद है तो जान लेना शुरू करूंगा।
अरे बस एक बस एक रजा देना, अरे ना आज रजा देना। फिल्म से अलग हटके ड्यूटी करे तो लालमन, फिल्म तो दुनिया गाती है, लालमन फिल्म से अलग दुनिया गा। हमारे शुक्ला जी की तरफ से 201 पत्र मुद्राएं आई हैं, मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ये हमारे महेश साहू मिस्त्री साहब, राम रतन कुशवाहा लोकगीत कलाकार घुआरा, आपने कहा 100 दिए थे, 50 बाकी थे, पूरे कर लीजिए। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है। गाना सुनिएगा, मजा आ जाएगा। बस एक मेरा दिल टूटा, ये सारा जहान रह गया। जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, पुत बेजान रह गया। हाय मेहमान, अरे मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। जिंद ले गया लगा है, इसको तो सीधा सीधा कर दिया है। पानी में तकदीरे, पानी में तकदीरे कब बनती है। ये काम करो और क्या, तब मजा आएगा। जब कलेजा निकालोगे तब माल आएगा। पप्पू भैया भले लिखते रहो, 500 देना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। और 500 रुपए अपने बड़े भाई हैं श्री लालचंद दीक्षित जी, आज उनसे भी ले लूंगा। मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं। इतना अच्छा जवाब लिखा है आपने, क्या आनंद आ गया। अब गाना सुनिए, सुनिए ना। 500 दे, 50 दे दो, वही मैं तसल्ली कर ले। चित्रकूट में मिल तुलसी से तेरे नारा। वाह। चित्रकूट में मिल तुलसी से, अंतर मन में डोले। तालियां हो जाएं, ये 500 रुपया हमारे लिए, हमारे बड़े भाई श्री लालचंद जी दीक्षित, आपके आशीर्वाद से मैं इस मंच में खड़ा हूं। क्योंकि बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, महात्मा तुलसी ने लिखा है, बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा। जवाबी भले मैं लड़ता हूं, दोनों लोग लड़ते जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद हमारे सर पे जरूर है। तो आपको प्रणाम कर रहा हूं और गीत का शुभारंभ कर रहा हूं। चित्रकूट में मिल तुलसी से रे, अंतर मन में डोले, भाव विभोर हो बजरंगी
और तुलसीदास से बोले। हनुमान जी महाराज बहुत द्रवित हैं, रोते हुए महात्मा तुलसी से कहने लगे, महात्मा तुलसी आज मैं तो अकेला हो गया। तो महात्मा तुलसी ने कहा, हनुमान अरे ये कैसे कह रहे हो? तो हनुमान ने कहा कि मेरी बात सुने प्रभु, और कहने लगे कि भगवान अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहता हूं, कह रहा हूं क्या कि भगवान चले गए मेरे। भगवान राम ने जल समाधि ले ली माता सरयू में और हमको छोड़ के चले गए। लाइन अच्छी लगी, कह रहा हूं क्या अरे भगवान चले गए मेरे और उनका वरदान रह गया। और संग चले गए अयोध्या के वासी, अरे संग चले गए अयोध्या के वासी, सिर्फ हनुमान रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबको प्रणाम कर रहा हूं, आपकी तालियों को प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि सात लोग चिरजीवी प्रमाण मिलता है, सात लोगों का चिरजीवी का प्रमाण मिलता है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य च विभीषणा कृपाचार परशुराम सप्तप्ते चिरजीवना। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे क्या और संग चले गए अरे अयोध्या के वासी, सिर्फ हनुमान रह गया। संग चले गए अरे जामवंत भी आए लेकिन द्वापर तक रहे। हनुमान जी महाराज चारों युग में रहे क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा। पहली बात हनुमान ने महात्मा तुलसी से कही, महात्मा तुलसी बिटप बाटिका में थे जीते ने और घूम घूम कर तोड़ दिया। पप्पू भैया अरे बिटप बाटिका में थे जितने और घूम घूम कर तोड़ दिया। शोक हरा कर ताजो माका, शोक हरा कर ताजो माका, उस अशोक को छोड़ दिया। आओ 100 रुपया में जवाब मांग रहे हैं, 1000-2000 दे तो कुछ मेहनत कर रहे हैं, 100 रुपया में आजकल काम ही लग गया। लेकिन हम बताएंगे, कह दिया क्या शोक हरा कर ताजो माका, उस अशोक को छोड़ दिया। तो वीरान अरे वीरान हो ये लंका सारी, अरे वीरान हो ये लंका सारी,
दसों के विद्यमान रह गया आज भी अशोक के पेड़ आपके दरवाजे लगे पूरी लंका की नगरी जितनी वाटिकाएं थी हनुमान जी महाराज ने सबको उजाड़ दिया लेकिन अशोक का वृक्ष हनुमान ने क्यों नहीं छुआ क्योंकि माता जानकी अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी थी इसलिए लालमन कह रहा है क्या अरे वीरान हो ये लंका सारी और अशोक विद्यमान रह गया संग चले गए अयोध्या के वासी सिर्फ हनुमान रह गया संग चले गए हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरे ऊपर एक मुकदमा और लग गया तुलसीदास ने कहा तुम्हारे ऊपर मुकदमा का जरूर लग गया तो कहा हनुमान ये मुकदमा कौन सा है कहां सुनना ये लाइन बहुत रंगबाज लाइन लाया हूं मैं और घुआरा में इस बात का प्रस्तुतिकरण में चाहता था उस समय आ गया तो मैं उसको गाना पड़ा कह रहा हूं क्या एक सारी लंका मैंने जलाई मेरे ऊपर उंगली उठ गई कि हनुमान नाम का एक बंदर आया तो पूरी लंका ही जला के चला गया इसका निराकरण कैसे हो कह दिया अरे सारी लंका मैंने जलाई अरे कथन ये पूरा सच नहीं अगर लंका हमने जलाई तो और राम नाम जिसे ग्रह पे अंकित सुनील भैया राम नाम जिसे ग्रह पे अंकित उसमें आई आँच नहीं अरे लंका जब पूरी जली तो एक मकान ये कहां से बचा ये क्यों नहीं जला तो कह दिया अरे शमशान अरे शमशान हो ये लंका सारी और सिर्फ एक मकान रह गया संग चले गए अयोध्या के वासी सिर्फ हनुमान रह गया अंतिम बात देख लें आप अब तर्ज बदल रही है प्रिया पूनम ये मेरा बेटा आया ये बानपुर से पधारे श्री छोटे भैया अभिलाक यादव जी भैया श्री तुलसी चौरसिया जी और हमारे पुत्र श्री आशीष सोनी जी आप तीनों की तरफ से एक पत्र आई हैं हमारी तरफ से आशीर्वाद है अब फिल्म दुनिया ने आधार बदल दिया क्या पानी में तकदीरे पानी में तकदीरे कब बनती है हनुमान जी महाराज ने कहा महात्मा तुलसी अही रावण को जाकर अही रावण को जाकर जब मारा था जब मैं उसको मार रहा था उसका लहू गिर रहा था
वो भौरे उसको पुनः जीवित कर रहे थे। एक को मैंने आदेशित कर दिया कि जाओ, अरे जाओ उस पलंग की पार्टी को खोखला कर दे, भगवान बैठे तो टूट जाए। लेकिन परंतु लेकिन कुछ नहीं बात, अहिदावक को जाकर जब मारा था उन सारे, अरे तब सारे भौरों को, संघारा था। तो अरे बेजान सब तो मार डाले, अरे बेजान पता में सारे भौरे, अरे बेजान पता में सारे भौरे, और एक श्रीमान रह गया। अरे ग्रंथों में, अरे ग्रंथों में आरना आरा डारा ग्रंथों में आज भी बाकी, और प्रभु का गुणगान रह गया। प्रणाम कर रहा हूं आपको। लंका में, अरे लंका में से विभीषण, और उसका सम्मान रह गया। संग चले गए, संग चले गए अयोध्या के वासी, सिर्फ हनुमान रह गया। कर रहा हूं आपको, एक से एक पत्र मुद्राए पुनः हमारे गायब हुई दुनिया वालों ने क्या बेटे सुनेगा, सभी लोगों से निवेदन सुनेगा कि मेहमान चला गया घर से। बनेगा वो स्पष्ट होगा, क्योंकि आपका जो जवाब आया है हमको ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि हम आप जवाब दे रहे हैं या पुनः सवाल कर रहे हैं। आपने कहा
गड़े घड़े को फोड़ दिया, मेरा गीत पुनः जहां से प्रारंभ हुआ वहीं पर संपन्न हुआ है। लेकिन जवाब आया है, लाल हनुमान मिले, आप अच्छे कलाकार हैं। अगर हम गलती करें तो चल सकता है, पर आप गलती करें, क्योंकि कि क्षमा पड़ने को चाहिए, छोड़ने को उत्पात। हम गलती करने के अधिकारी हैं, पर आप गलती करें ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन आइए, जो कुछ भी आपने दिया है जवाब स्वीकार करती हूँ, क्योंकि माता जानकी पूरे गीत में नहीं छोड़ रही हैं। वो आप कह रहे हैं कि राम जी, पर भैया मेरे गीत को आप समझ ही नहीं पाए, ये पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, आप बड़े ध्यान से इसको सुनना, देखना कि आपने क्या जवाब दिया है। बिल्कुल, तो कहना मेहमान चला गया घर से, मेहमान चला गया घर से, खाली मकान रह गया। बड़ भैया जिंद ले गया, जिंद ले जिंद ले गया, वो दिल का जानी ये बुत बेजान रह गया। तो जिंद ले गया, वो दिल का जानी बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी बुत बेजान रह गया, जिंद ले। उस आंधी और उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। संतोष भैया कह रहे थे कि गाना बजाना ऐसा होना चाहिए। कहो भैया संतोष। उस आंधी और उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। जियो बेटे। आई थी एक रोज कयामत और किसी को याद नहीं, सिर्फ एक मेरा दिल टूटा, सिर्फ एक गीत आया है आपका, उसमें आपने कहा है लंका को शमशान बना दिया है और भक्त विभीषण का सम्मान रह गया, आपका गीत कह रहा था।
बड़े भैया आपने कहा है सारी लंका को मैंने जलाई, सारी लंका ये मैंने जलाई, ये पूरा शमशान हो गया। भैया हुई लंका सिर्फ, हुई लंका चमक कीजिएगा, बचा भीषण का सम्मान, एक मकान रह गया। क्या बात है, यही एक बड़े भैया शक हो रहा है एक मन में, एक मन में खटास सी पैदा हो रही है, मलाल सा हो रहा है कि जब लंका को शमशान बना दिया तो उधर विभीषण का सम्मान कहाँ हो रहा था। सम्मान शमशान में भी होता है, शमशान में भी सम्मान होता है, और आपने लंका को सम्मान यानी क्षमा कीजिएगा शमशान बताया है, जबकि लंका आज भी राज्य करती है, कहाँ शमशान हुई है। आइए सुनिएगा, लेकिन जवाब सुनिएगा आपका बहुत बढ़िया। अब देखिए भगवान राम सारी वानर सेना के सहित समुद्र के इस पार हैं, वो जब इस पार हैं तो योजना लगा रहे हैं कि समुद्र के उस पार कैसे जाया जाए। सभी लोग सुनिएगा कि वानर भालू किया कठिन श्रम, सुनेगा नाचो नाचो। बानर भालू किया कठिन श्रम, उनका ये परिचायक था। और संतोष भैया सारी सेना जिससे निकली, कि सारी सेना जिससे निकली सहायक था। उसी सेतु से समुद्र पार हुआ है सारी रामा दल का, पूरा रामा दल समुद्र के उस पार पहुंच गया। तो कहना पड़ा क्या, लौटे जो राम लंका से रावण को मार कर, लौटे लंका से राम जब आकर, तोड़ डाला है, तोड़ डाला है सेतु सुंदर, तोड़ डाला है सेतु सुंदर, तो बाकी निशान रह गया। आज भी राम सेतु का निशान मिलता है, तो कहना बिल्कुल बेटे। तोड़ डाला है सेतु सुंदर, वहां जो सेतु बन रहा है,
सारे बानर भालू अपना अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक नन्ही सी जान है, वो भी प्रभु का सहयोग करना चाहती है। देखिए वो है गिलहरी। तो उसने किया क्या, अपनी बालू पूंछ में लपेट कर उस पर डालने लगी सेतु पर। तो तक है सुनिएगा, सब वीरों ने अपनी अपनी शक्ति का जोर लगाया था, और एक गिलहरी ने बालू से जाकर जोर मिलाया था। करुणा की कहानी कई है लाल भैया जी, करुणा की कहानी कई है, पर मान करुणा की कहानी कई है, मान श्रीमान रह गया कर कमल तो, कर कमल तो दिखत ना प्रभु के, कर कमल तो दिख देना प्रभु के, पर पीठ पर निशान रह गया। कर कमल सा दिखते प्रभु के, पर उनका निशान रह गया। सभी से निवेदन है, फिल्मी दुनिया वाले हल्की सी धुन चेंज करते हैं, हमारे बड़े भैया ने भी की है, आइए प्रयास मैं भी कर रही हूं। पानी पर तस्वीर, पानी पर तस्वीर कब बनती है, ख्वाबों से तकदीर, ख्वाबों से तकदीर कब बनती है, नारंग रहा कोई बाकी न कोई निशान रह गया। आइए सुनिएगा, लेकिन पंक्ति सुनिएगा, ये तो फिल्मी दुनिया वालों की धुन है। अब देखिए सभी लोग जानते हैं कि सदियों तक कोई चीज नहीं रहती है, ये बात प्रभु श्री राम जी भी जान रहे हैं। सदियों तक जागीर, सदियों तक जागीर कब रहती है। इस कलयुग में प्रभु श्री राम जान रहे हैं कि सदियों तक जागीर नहीं रहती हैं, लेकिन सदियों तक जागीर, सदियों तक जागीर कब रहती है। और वो पूरब प्राचीर, वो पूरब प्राचीर कब रहती है। लेकिन आज अयोध्या में प्रभु श्री राम जानते थे कि कलयुग में ये समस्या आएगी, कहना पड़ा क्या बड़े आएगी समस्या, आगे आएगी समस्या आगे, उसका निदान रह गया। उजड़ गई है, उजड़ गई है सारी अयोध्या, सभी लोग जानते हैं उजड़ गई है सारी अयोध्या, पर जन्म स्थान
गई है सारी अयोध्या पर जन्म निशान रह गया सारी अयोध्या जन्म निशान रह गया सारी अयोध्या जन्म निशान रह गया उजड़ गई है।